नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। डिल्मा राउसेफ को सीनेट ने हटाया, मिशेल टेमर बने ब्राजील के नए राष्ट्रपति। टेमर ने कैबिनेट से बजट तैयार करने, पेंशन सुधार और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करने का प्रस्ताव पेश करने का दिया निर्देश। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का दावा, जब अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भारत में होंगे तो कुछ और कहेंगे। जॉन कैरी के बयानों से पाकिस्तान की नहीं हो रही कोई बदनामी। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष ब्रह्मदाग बुख्ती ने पाक सेना को दी चेतावनी, बलूचिस्तान खाली करो वरना 1971 से भी खराब नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पाक के अत्याचारों का मुद्दा उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। ब्रिटेन के 25 सांसदों को मिली हत्या की धमकी, ईमेल के जरिए सिर कटे व्यक्ति की फोटो के साथ भेजी गई धमकियां, जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में तालिबानियों के हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी फौजी, फौजी पर तालिबानियों ने अनगिनत कोड़े बरसाए, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। मैक्सिको के दौरे से अमेरिका लौटे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैक्सिको को ही देना होगा। अमेरिका मैक्सिको के बीच बनाई जाने वाली दीवार का 100% खर्चा, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं ट्रंप। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।